टाइम बज रहा है 4:15, ठीक है 4:15 हो रहा है। और मैं अभी जयपुर ड्रॉप कर चुका हूँ कस्टमर को, ठीक है। इस ट्रिप में बने हैं से रेट दे दिया, मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रिप में सेडान मॉर्निंग, नमस्ते पणाक और राम राम, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज के नए ब्लॉग नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं निकल चुका हूँ काम पे। टाइमिंग जो हो रहा है, आज तारीख है 13 और टाइमिंग हो रहा है 8:30, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपने पिछला ब्लॉग देखा, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, ठीक है। मेरे YouTube से बुकिंग आई थी और YouTube से कैसी बुकिंग आई थी उस पर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बने रहना मेरे चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं जा रहा हूँ कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। 9:08 पे मैं अराइवल कर दूंगा कस्टमर के लोकेशन पे, पहुंच जाऊंगा। विकासपुरी से मेरी पिकअप है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कहाँ, जयपुर से 20 किलोमीटर आगे ड्रॉप है, ठीक है दोस्तों। तो अभी चल रहे पिकअप लोकेशन पे कस्टमर के, और आपको बताएंगे कि वाया कितना खर्चा आता है, कितना टोल है, कस्टमर से कितनी बिलिंग है, सब कुछ बताऊंगा इसी ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहना, आप लोग को एक स्पेशल गाइड्स और करूंगा कि कस्टमर से हमेशा कैसे बिलिंग करनी चाहिए, कस्टमर से कैसे डीलिंग करनी चाहिए, सारी चीजें बताने वाला हूँ आप लोग को इसी ब्लॉग में दोस्तों। तो आप लोग से बस बने रहना इस ब्लॉग के अंदर, और वीडियो को प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे थे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। यूट्यूब पे इस तरह की जोड़ी हुई कॉन्टेंट जो टैक्सी से रिलेटेड सब कुछ मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, तो ऐसी प्यार बना के रखे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, करते हैं कल की ड्यूटी पे बात। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल की ड्यूटी पे क्या हुआ था। कल मेरे पास 2 दिन पहले ही ड्यूटी आ गई थी, मतलब यूट्यूब से बंदे मेरा, जो आपने देखा होगा हर थंबनेल पे एक मेरा नंबर डाला होता है, 92 वाला नंबर, ठीक है। बहुत लोग परेशान करते हैं भाई फोन करके, लेकिन कस्टमर का ही फोन आ जाता है। थैंक गॉड ऊपर वाले ही कस्टमर का फोन आता है, लेकिन भाई मैं बहुत लोगों से इसलिए परेशान हूँ कि भाई बंदा फोन, रात को भी फोन आया मेरे पास, कहता भैया कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो। अरे भाई मेरे एक चीज बताओ, आप फोन मिला रहे हो, आपको ये नहीं पता है कहाँ से बोल रहे हो, हमको भी ओला चलाना है। अरे भाई ओला चलाना है तो वीडियो देखिए, टाइम थोड़ा वेस्ट करना पड़ेगा, मार्केट को रिसर्च कीजिए कि क्या काम है, कि सबकी वीडियो देखिए, मेरी वीडियो देखिए, बिक्की भाई है, बिक्की खत्री है, ए बी के वाले, सबकी वीडियो आप लोग देखिए ना, तभी तो आपको आइडिया लगता है काम कितना है नहीं है ना दोस्तों। तो हमेशा थोड़ी सी मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा बेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में, तभी जाके आप सक्सेस हो पाएंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों आप करते हैं अपनी काम की बातें। तो दोस्तों मेरे पास यूट्यूब से बुकिंग है, उन्होंने बोला सर कैसे की बात है। देखिए हमेशा मेक माई ट्रिप वगैरह कंपनी चार्ज करती है 3500-3200 रुपये, ठीक है, उसमें इंक्लूडेड GST होता है, ठीक है। तो अपन GST हटा के बाकी के अमाउंट हम बता सकते हैं, है ना। तो उससे क्या हुआ, कस्टमर हमारे पास डायरेक्ट बिलिंग हो गई, और कस्टमर का बिलिंग मैंने उनसे चार्ज किया था 6000 रुपये ऑल इंक्लूड, टोल स्टेट ड्राइवर अलाउंस नाइट चार्ज सब इंक्लूड में। रात को आपने देखा होगा कि 10-11 बजे तक मैं ड्रॉप कर दिया था। तो ड्रॉप करने के बाद मैं घर आ गया था, मेरे पास ये बुकिंग आ गई थी दोस्तों, है ना, जो जयपुर से 20 किलोमीटर आगे मंचला ऐसा कुछ नाम है जगह का, वहां पर जा रहा हूँ ड्रॉप करने, है ना। तो अभी जा रहा हूँ पिकअप करने पहले लोकेशन पे, और फिर जाएंगे कस्टमर के ड्रॉप करने दोस्तों। तो 1 वे का ड्यूटी है, अभी रिटर्न का देखते हैं, वहां पे आज रात काली होगी या रिटर्न आज दिल्ली में काली होगी, वो तो आने वाला व्लॉग में आप लोग को पता लग जाएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे। आप लोग से बस उम्मीद है कि चैनल को फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी टैक्सी से जुड़ी हुई कंटेंट के लिए, काम धंधे सीखने के लिए, समझने के लिए, टैक्सी हायर करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। तो मैं फाइनली अभी हाईवे किंग है ना होटल, वहाँ पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, और यहाँ से दोस्तों हाईवे किंग ढाबा पे बंदा न रुके, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर के साथ भेदभाव किया जाता है, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ। बट कस्टमर के जिद था कि हाईवे किंग पे रुकेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने में आप लोग को नहीं प्रोवाइड किया जाता है ना। तो देख लो ये अपना निमका है, वहीं पे हूँ मैं, आप देख सकते हो। मैं तो खाने में लिया हूँ अपना क्या बोलते हैं, रोटी और दाल, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी टाइम बज रहा है 4:15, ठीक है 4:15 हो रहा है और मैं अभी जयपुर ड्रॉप कर चुका हूँ कस्टमर को, ठीक है। इस ट्रिप में बने हैं 3900 रुपये का ट्रिप था ये। दरअसल हुआ क्या कि ऑल इंक्लूड ट्रिप है, ठीक है। ऑल इंक्लूड ट्रिप में अपना क्या हुआ था, वैसे तो इतने रेट नहीं है लेकिन इन्होंने कंपनी वाले ने गोजो ने कैसे रेट दे दिया मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रिप में सेडान मतलब इंडिको की जरूरत थी और उनको डीजल गाड़ी चाहिए था तो इस वजह से उन्होंने दे दिया मुझे, है ना। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ से आने के बाद अब देखते हैं। मेरे आज नसीब ही ख़राब चल रहा है कि भाई दो ट्रिप कैंसिल हो गई, मतलब मेरी बीड अप्रूव नहीं हुई। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली थी शाम को 5 बजे, वो भी अप्रूव नहीं हुई। लोग पता नहीं कैसे कम रेटों में काम कर लेते हैं यार। और एक जयपुर से अलवर थी शाम को 6 बजे, वो भी बीड अप्रूव नहीं हुई। मेरे रेट के आसपास में बीड चली गई थी लेकिन पता नहीं किसी ने डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था, बस 100 रुपये का डिफरेंस था। मैंने सोचा जब तक मैं ड्रॉप करूँगा तब तक ये बीड अप्रूव हो जाएगी, या नहीं होगी तो मैं डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। ऐसा होता है गोजो के साथ कि वो कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से चलती है, ठीक है। हम लोग अपना रेट दे सकते हैं कंपनी को कि भाई हमें इस रेट में मैं जाना चाहता हूँ, इस रेट में हमें बुकिंग दे दो, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके की बुकिंग होती है। अभी मैं 3916 रुपये में मैं आया था यहाँ पे, ठीक है। 3916 रुपये में अब यहाँ से देखता हूँ क्योंकि गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है राजस्थान के अंदर, देख सकते हैं पसीना ही पसीना हो रहा है। धूप भी ठीक ठाक है यहाँ पे। जयपुर से, जयपुर ही सिटी लगता है, सिटी नहीं है जयपुर का, लगभग जो अपना जयपुर बाईपास वाला रोड है ना, दिल्ली बाईपास जिसको बोलते हैं, वो रोड से करीबन 7 किलोमीटर अंदर छोड़ना था, छोड़ के मैं अब जस्ट जयपुर सिटी की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं अब यहाँ से, आज यहाँ से दिल्ली की बुकिंग मिलती है या नहीं मिलती है। बने रहना आप लोग ब्लॉग में, ठीक है दोस्तों। आगे की अपडेट आप लोगों को अगली ब्लॉग में देंगे। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, फिर दिक्कत होती है, आप लोग देखते नहीं है, फिर आपका फ़ोन आता है कि भैया ऐसे ऐसी की बात है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस ट्रिप में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, टोटल 1500 कह रहा हूँ, सॉरी 1.5 सिलेंडर की CNG लगी है, ठीक है। और अपना जो टोल लगा है दोस्तों, टोल भी मैं बता देता हूँ। 1.5 सिलेंडर के मतलब आप समझ सकते हो ना, 400-800 रुपये की CNG लगभग लगी है, जिसमें से थोड़ी बहुत अभी बची है, थोड़ी क्या अच्छी खासी बची है, मतलब 3 डंडा भी है हमारे पास, ठीक है। 3 डंडा CNG है और टोल जो लगे हैं आपको पता है 325 रुपये टोल लगता है। 70 रुपये का टोल एक एक्स्ट्रा लग गया है, कौन सा मैं आपको बताता हूँ, वो लगा है दोस्तों दौलतपुरा का, ठीक है। इसमें ये टोल लगे हैं और स्टेट टैक्स आपको पता है, स्टेट टैक्स कटवाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें कट छट के जो मोड एंड अपने को बचा लगभग 2000 के आसपास बच गया, ठीक है। 6 घंटा गाड़ी चली है, लगभग 9:15 बजे मैं निकला था उनके पिकअप लोकेशन से और 6-7 घंटा लग गया लगभग। जाम भी था कई जगह, पुरानी रोड से आया मैंने, पुरानी रोड से सारी CNG पे ही गाड़ी आती है, पेट्रोल नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो आप लोग भी कभी जयपुर आओ तो पुराने रोड से ही आओ, अगर मुंबई एक्सप्रेस से जाते हो तो CNG पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग को जो ब्लॉग में अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रखे हैं चैनल को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।